बच्चों आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे, इंग्लिश का उपयोग भूलकर भी नहीं करेंगे। सर, भूल तो आपने ही कर दी, हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी, हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर मिश्रा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी क्लास में हेडमास्टर पांडे आते हैं। यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों चिंता ना करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आएं और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी माइक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। शुक्ला की बात सुनकर टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं। आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था। आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है, हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरा दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सीजनेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झाड़ना ढोंग है। आप देश के भविष्य हैं, साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है, तभी हमारे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। जय हिंद, जय भारत।